डाल दिया इसमें 130 वाट की। डैम्पिंग शीट की हम लोग बात कर रहे थे, डैम्पिंग शीट जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। तीन मोड पे काम करता है, पार्किंग, ब्रेक, इंडिकेटर, सेगमेंट जो कि आपको दिखाया था हम लोगों ने, और बहुत अच्छी क्वालिटी की अपनी फ्लोरिंग, सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है चेकमेट, वो वाली फ्लोरिंग यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। सीट कवर की क्वालिटी देखो, फिनिशिंग, फिटमेंट, और सोफा लेमिनेशन का सीट कवर है। हाँ जी, और 5 PS की वारंटी सीट कवर के भैया, कट जाए फट जाए, रिप्लेसमेंट गारंटी है। लगाया हमने ये अपना जेन्युइन आर्मरेस्ट रहेगा। जी भैया, ये देखो एक बार, ये आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, सेम आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर मिलता है, वही आर्मरेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। क्या है, 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है। क्या स्पेसिफिकेशन देते हो मनीष भाई? 2 GB रैम भैया, 32 GB इंटीरियर, आई थिंक भैया 5500 रुपए का। यूट्यूब पे वीडियो देख के भी आए हैं, और बहुत सारे यार दोस्त हमारे जो मैक में जितने भी आदमी है जो अपने जानकार है, तकरीबन सब इन्हीं भाई के पास आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। मनीष भाई को कितने नंबर देना चाहोगे? मनीष भाई का 10, मतलब 100 नंबर देना चाहूंगा मैं। पूरे नंबर जो है वो मिल जाए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मनीष कार एक सीरीज करोल बाग में, और अपने तो अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। तो मनीष भाई कौन सा वेरिएंट है अपना फ्रॉन्क्स? सिग्मा भैया, ये बेस वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। इंडिकेटर है यहां पे, यहां पे आप साइड में जो इंडिकेटर है वो चेक कर सकते हो, और जैसे कि मैं देख रहा हूं गाड़ी के अंदर LED वगैरह मतलब के काम स्टार्ट हो चुका है। हां भैया, काम स्टार्ट हो गया। LED डाल दिया इसमें 130 वाट की, कितनी? 2 साल की वारंटी है, 130 वाट की LED डाला है। ठीक है, 2 साल की वारंटी है इसकी, 2 ईयर्स की वारंटी के साथ जो है वो रहने वाली है। पार्किंग बल्ब भैया को हमने फ्री में लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक तरीके का एक सेटअप जो है वो आपको यहाँ पे सामने से देखने को मिल जाएगा। लाइट लग चुकी है, रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको चेक करवाएंगे अभी, आप इस तरीके से थ्रो जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या लग रहा है? एक वो लगा दिया हमने, व्हील आर्क लगा दिया, 70% ऑफ MRP पे, नेक्सा जेन्युइन पे, जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो लग चुका है। हाँ, 70 पे लगा चुके हैं इसके अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसमें ड्रोवाइजर लगा दिया भैया 70% ऑफ करके, तो ये भी जेन्युइन रहेगा अपना? जेन्युइन है भैया। ठीक है, हैंडल कोम लगा दिया भैया गैलियो का, ये 800 रुपए का, इसमें नेक्सा जेन्युइन साइड बीडिंग 70% ऑफ करके लगा दिया, बढ़िया क्वालिटी के अंदर है। काम जो है काफी कुछ इसमें कंप्लीट भी हो चुका है। सिल्वर इसमें दो ऑप्शन है अपने पास, एक ब्लैक रेड है, एक ब्लैक सिल्वर है। तो ब्लैक सिल्वर और ब्लैक रेड पीछे वाला पोर्शन जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और क्या लगा इसमें अंदर भैया? हम लगा रहे JBL का कॉम्बिनेट लगा रहे हैं। ठीक है, पीछे लगा रहे JBL का कोएक्सल। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी फोम वगैरह जो है वो रहने वाला है, डैम्पिंग होगा, अभी डैम्पिंग भी होगी अपनी। कितने सीट लगाओगे? दिक्कत लगेगा भैया, 10 सीट, 10 सीट जो है कंप्लीट रहने वाली है। में भी लगेगा, तो अभी डैम्पिंग वगैरह नहीं करी गई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, स्पीकर वगैरह नहीं लगे हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता, बेस मोड लगे थे, सिस्टम का जो अपडेट है भैया कौन सा रहेगा अपना? एंड्रॉइड भैया, TH7 है, 2 GB रैम, 32 GB इंटीरियर। ठीक है जी, स्क्रीन साइज का रहने वाला अपना? जी भैया, स्क्रीन साइज 9 इंच का है, और उसका फ्रेम आएगा एक प्रॉपर फ्रेम वगैरह के साथ, प्लग एंड प्ले होगा, वायरिंग नहीं काटेंगे हम। फ्लोर पे अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पे फ्लोरिंग का जो काम है वो चल रहा है अपना, और ये मेरे साथ चेकमेट वाली है अपनी, चेकमेट है भैया, देखो ना चेकमेट क्वालिटी डालते हैं, प्रीमियम क्वालिटी है, इसमें बिल्कुल सिलवटें नहीं आती। उसके बाद भैया एक वेलकम लाइट लगेगा, अभी वेलकम लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करने वाले हैं, पीछे पड़ा वेलकम लाइट, उसके बाद वो गाने पूरा काम चल रहा है अभी अपना। सीट कवर वगैरह भी है? सीट कवर, हाँ भैया सीट कवर की मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, हैवी क्वालिटी में सोफा। उससे पहले ये बताइए बम्पर क्यों खुला हुआ है? इफेक्टर लगा रहे भैया इसके अंदर, ये रनिंग मैट्रिक है, रनिंग वाला है, 3 मोड पे चलता है ये, और ब्रेक, रनिंग और पार्किंग। ठीक है जी, कैमरा वगैरह भी रहेगा? कैमरा भी हाँ लगा दिया हमने, कैमरे की क्वालिटी भैया 1080p हम ही लगा रहे फर्स्ट टाइम, जो भी लगा रहे अभी लग रहा है अभी। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह रहने वाली वो आपको दिखा देंगे, लाइटें वगैरह जो है उससे कनेक्ट करके लगती है। देखो आप एक बार, सीट पर बहुत हैवी क्वालिटी का सोफा लेमिनेशन के अंदर, 5 PS की वारंटी है इसकी, कट जाए फट जाए रिप्लेसमेंट गारंटी है। उसके बाद जो बता रहा हूँ भैया, इसके अंदर हमने ये लगा दिया एक कैमरा, अभी तक मार्केट में कोई नहीं लगा रहा हमारे अलावा, HD का है, 1080 अब माउंट मूविंग लाइन है ये, फर्स्ट टाइम मनीष कार पे लग रहा है फोन के अंदर, कहीं और कहीं नहीं लग रहा आपका, मतलब ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा? जी फर्स्ट टाइम ही है। ठीक है जी, उसके बाद हमने स्टेयरिंग भैया चेंज कर दिया इसका, स्टेयरिंग था तो हमने वो डाल दिया स्टेयरिंग सिल्वर वाला 3500 रुपये में 20 हब के साथ। तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए बिफोर लुक वाला स्टेयरिंग जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा आता है, नॉर्मल सा इसमें हब भी जो है वो आता है, उसको भी निकाल दिया गया है। अब जो स्टेयरिंग लग गया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो टॉप मॉडल वाला जो सिल्वर लाइन आता है वो वाला स्टेयरिंग लगा दिया गया है, प्रॉपर हब के साथ जो है ये अपना रहने वाला है 3500 का। ठीक है जी, यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे तो अपने जो हैंडल्स आते हैं इनर वाले वो ब्लैक कलर के आपको मिलते हैं, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देखोगे क्रोम वाले जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, तो अच्छा खासा काम जो है इस वाली गाड़ी के अंदर देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रॉन्क्स की अपनी वेलकम प्लेट जो है वो रहने वाली है, इसका काम चल रहा है, और ऐसा नहीं कि स्पीकर लगा रहे हैं तो किसी नॉर्मल तरीके से लगाएंगे, स्पीकर वगैरह भी जो है वो प्रॉपर रिंग के साथ जो है लगाए जाएंगे, ताकि पानी वगैरह लगने पर कपड़े के साथ लगाया कहीं से भी वायरिंग नहीं कटेगा प्रॉपर। ठीक है जी, आगे तरफ इसका काम जो है वो चल रहा है, तो प्रॉपर कपलर से साथ जिसको कनेक्ट है वो यहाँ पे करके अपना जो है सारा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो गाड़ी के अंदर क्या काम चल ही रहा है, तो आगे आगे चलता है तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाली है।
दोस्तों यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हो, तो अपने जो डैम्पिंग शीट की हम लोग बात कर रहे थे, डैम्पिंग शीट जो है वो यहाँ पर लग चुकी है, मिटो कंपनी की रहने वाली है। एक शीट अंदर की तरफ है और एक शीट बाहर की तरफ जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा स्पीकर्स का जो अपडेट है वो भी यहाँ पे हो चुका है, अपने जेबल के कॉम्पोनेंट स्पीकर्स लग चुके हैं। ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ अभी कर दी जाएगी। इसके अलावा रियर डोर में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर भी डैम्पिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी स्पीकर जो है रियर डोर के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुए, इसका काम जो है वो भी चल रहा है। इनर हैंडल वगैरह काम हो चुका है, बाकी अपनी फ्लोरिंग वगैरह लग चुकी है। सीट कवर का जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, सीट कवर जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फुल बकेट जो फिटिंग है वो यहाँ पे इसकी हो रही है। तो ये जब काम अभी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको डिटेल में बताते हैं क्या कुछ काम हुआ है, कितने बजट में काम हुआ है, और आपको कस्टमर से भी मिलवाएंगे और उनका फीडबैक भी लेंगे। A few moments later. तो दोस्तों अपने फ्रॉन्क्स का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मनीष भाई से मिलते हैं दोबारा से। मनीष भाई, क्या कुछ अपडेट हुआ है? हमने जो छिंगवा मॉडल आया था उसको अल्फा बना दिया। हाँ जी, फ्रंट से बात करते हैं, इसमें क्या लगाया? फ्रंट से भी हमने लगाया 120-130 वाट की एलईडी, ठीक है, 2 साल की इसकी वारंटी रिप्लेसमेंट, कुछ भी दिक्कत हो मनीष कार पे और चेंज करो कुछ भी दिक्कत नहीं आती लगने के बाद, प्रॉपर जो है अपना सारा कपड़े टू कपड़े लग चुका है। और पार्किंग बारे में भैया का हमने येलो था व्हाइट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे अपना व्हाइट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। भैया किसी अगर भाई को अगर हेडलाइट लग डीआर लगवाना हो तो मिल जाएगा, उसकी कॉस्टिंग 11,000 रुपए का आएगा, ठीक है, फिटिंग करके सिग्मा भाइयों के लिए, सिग्मा टू अल्फा करने के लिए अच्छा काम करवाओगे उसके ऊपर जी भैया। और 15,000 का ये मिलेगा आपको हेडलाइट, तो ये भी आप लगवा सकते हो टॉप वेरिएंट वाला, सेम जिस तरीके से तीन रिफ्लेक्टर आते हैं, सेम रिफ्लेक्टर आता है उसके अंदर, रिफ्लेक्टर्स आते हैं। और हेडलाइट में भी तीन डीआर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले अपने जो है वो लग जाएंगे। इसके मैं एक बार थोड़ा दिखाता हूँ आपको, बहुत हैवी थोड़ा है इसका, तो एक बार आप इसका रिस्पॉन्स जो है वो भी चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। भैया कितना ये सामने रिस्पॉन्स जो है वो चेक कर लीजिए, तो ब्राइट सेटअप है वो जो दुकान है ना पान की, हाँ जी वहाँ तक जा रहा है भैया, तो काफी ब्राइट सेटअप जो है ये आप चेक कर लीजिए, वहाँ तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक लंबा थ्रो जो है वो रहने वाला है। हाई लोग का भी रिस्पॉन्स बढ़िया है भैया, ठीक है जी। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स वाला जो अपना एलईडी बल्ब है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया जी, 130 वाट के अंदर, ठीक है जी। और क्या लगा इसमें? तो भैया साइड प्रोफाइल से इसमें भी इंडिकेटर लग जाएगा, ये अपना रिमूव होगा जी भैया, ठीक। ये भैया गांधी 70% ऑफ चल रहा है, बी आर्क जो इसमें जो हमने लगाया है इसके अंदर, ठीक है, 70% ऑफ मिलेगा, ये लगा दिया इसके अंदर हमने। उसके बाद दो बाजे लगा दिया हमने जर्मन वाले, जर्मन लगाया नेक्सा का 70% ऑफ करके, ठीक है, हैंडल कॉम लगा दिया गैलियो का, ठीक, 800 की कॉस्टिंग आती है, और साइड भी लगा दिया ब्लैक सिल्वर के अंदर 70% ऑफ करके, ठीक है। तो इसमें रेड वाले भी आती है, आप चाहो तो वो भी दो ऑप्शन है, ब्लैक और रेड में, ब्लैक और सिल्वर में दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद एक बैक साइड से बात करते हैं, तो इसमें एक डिफेक्टर लगा रहे हैं हम, तो अभी इसका काम जो है वो अपना चल रहा है, यहाँ पे आप चेक करोगे, ये देखो रनिंग पे है, रनिंग अभी ये पार्किंग पे ऑन है आपका रनिंग मोड पे, तो इसमें स्कैनिंग भी आएगा, इंडिकेटर भी आएगा और ब्रेक आएगा, तीनों चीज़ें जो है अपनी वर्क करने वाली हैं, ठीक है। कैमरे की भैया फिटिंग कर दिया हमने यहाँ पे, कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो आपको ऊपर की तरफ दी है, 1080p क्वालिटी के अंदर है ये अपना यहाँ पे 1080 pixels में जो है वो रहने वाला है जी। तो ये सब बाहर से जो है वो काम हुआ इस वाली कंप्लीट हो गया, एक ट्रे डाल दिया भैया काम में, इसी क्वेश्चन की वजह आती है 1100 रुपये। और ये अपनी जेन्युइन रहेगी? आप जेन्युइन है भैया, मारुति जेन्युइन, कोई आफ्टर मार्केट चेंज लगता है के अंदर, सारी चीज़ जेन्युइन लगता है। तो ये बाहर से काम हुआ है, चलते हैं कार के इंटीरियर। ये देखो इंडिकेटर भी काम कर रहा है आपका, तीन मोड पे काम करता है, पार्किंग, ब्रेक, इंडिकेटर पे, ठीक है जी जी। तो अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में, मनीष भाई इंटीरियर में क्या कुछ रहने वाला है? हम लगाया वेलकम लाइट फ्रॉम्स लिखा हुआ ब्लू लाइट में, तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा क्रोम के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर है, हाँ जी, और एक ब्लू में, एक व्हाइट में, चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। मतलब इसमें कलर भी जो है वो आप अलग अलग ले सकते हो, या फिर आप प्लेट लगवा सकते हो स्टेनलेस स्टील, रनिंग मोड में भी स्टील में भी मिल जाएगा, रनिंग मोड में भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो ये वाली जो है वो अपनी ब्लू कलर वाली जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे करी गई है। उसके बाद हमने एक मैट के नीचे हमने डाला फ्लोरिंग चेक मैट का, चेक मैट जो कि आपको दिखाया था हम लोगों ने, और बहुत अच्छी क्वालिटी की अपनी फ्लोरिंग, सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है चेक मैट, वो वाली फ्लोरिंग यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इससे भैया बेनिफिट ये है कि डाई वाले से भी ऊपर है, डाई से ऊपर है, इससे बेनिफिट ये है कि अगर कार्पेट पानी डालोगे गैस भर के, हाँ जी, तो कार्पेट पानी ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, इसमें पानी डालो कपड़ा मारो साफ हो जाएगा, इजी टू क्लीन, मतलब बदबू बदबू जो है वो नहीं आएगी, सफाई करने में भी आसानी हो जाएगी आपको लगने के बाद। इसके अलावा जो हमने मेन काम किया सीट कवर की क्वालिटी देखो, फिनिशिंग फिटमेंट और सोफा लेमिनेशन का सीट कवर है, हाँ जी, और 5 ईयर्स की वारंटी सीट कवर के भैया, कट जाए फट जाए रिप्लेसमेंट गारंटी है, 5 ईयर्स जो है वो रहने वाली है, 5 ईयर्स की होती है लेकिन चलती है लाइफ टाइम तक, कभी दिक्कत नहीं आती लगने के बाद, बहुत अच्छा पैटर्न है। इसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, हाँ जी भैया, और थाई सपोर्ट देखो ना, बैठोगे तो कंफर्टेबल लगेगा भैया इसके अंदर, ठीक है। उसमें सीट कवर जो हमने लगाया इसका कॉस्टिंग है 8,500 रुपये का, 8,500 रुपये सीट कवर जो है, बाकी 2500 से स्टार्टिंग रेट है अपना, 25 अलग अलग रेंज है, अलग अलग तरीके का सीट कवर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें अंदर बैठते हैं, हाँ जी बताइए, इसमें का आर्मरेस लगाया हमने, ये अपना जेन्युइन आर्मरेस रहेगा, मारुति जेन्युइन, ये देखो एक बार, ये आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, सेम आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर मिलता है, वही आर्मरेस यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। इसकी कॉस्टिंग भैया 3500 रुपए की आती है, 3500 की, ठीक है जी।
दरवाजे पे अगर हम बात करें तो स्पीकर आपको JBL के दिखा दिए थे मैंने, आगे लगाया भैया आगे लगाया कंपोनेंट, हाँ जी पीछे लगाया भैया कोएक्सल, JBL के जो है वो रहने वाली है जी। इसके अलावा डैम्पिंग जो है वो करी गई थी, डबल लेयर डैम्पिंग हो चुकी है और अपना जो हैंडल है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये आप चेक कर लीजिए, क्रोम हैंडल जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए जी भैया। इसके अलावा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ जो अपनी टच स्क्रीन सिस्टम है वो लगाया गया है, 9 इंच की अपनी स्क्रीन रहने वाली है। क्या स्पेसिफिकेशन देते हो मनीष भाई? 2 GB रैम भैया, 32 GB इंटीरियर, अपर कार्पे एंड्रॉइड ऑटो नहीं है, TS7 मॉडल है ये, बेसिक वाला जो है वो, इसकी कॉस्टिंग भैया 5500 रुपए का। ओके, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज का सिस्टम जो है वो लगाया गया है। टच का रिस्पांस आपको दिखाया, काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, टच रिस्पांस अच्छा है, साउंड भी अच्छा है इसका, आउटपुट भी जो है वो आपको अच्छा मिल जाएगा। कई सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड रहने वाली है, लाइक यहाँ पे आप देखोगे क्रोम ब्राउजर, डिजनी प्लस हॉटस्टार है, अपना मैप है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाएगा, यूट्यूब अगर आपको चलाना है तो वो आप चला सकते हो, सारा कुछ जो है वो रहने वाला है। गेनोम चेंज करवाना तो ये मिल जाएगा, 300 की कॉस्टिंग आएगी, 300 रुपए में गेनोम निकल के प्रॉपर लग जाएगा जो टोमोडे में लग के आता है। ठीक है जी, 600 रुपए में आप USB लगवा सकते हो, 600 में USB सॉकेट लग जाएगा। इसमें एक अपनी जो स्टीयरिंग व्हील है वो चेंज किया गया है, पूरा चेंज कर दिया, पूरा कंट्रोल के साथ है। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था, चलता है इसके अंदर आपका, ये अपना पहले वाला जो है बिफोर वाला यहाँ पे है और आफ्टर वाला जो है ये लग चुका है प्रॉपर आपके साथ जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। तो ये जो है सारा काम रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। तो कार की सारी चीज मनीष भाई दिखा दिए, मिलते हैं एक बार कार के ओनर से, सर से जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत जी, राम राम जी सारे भाइयों ने। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रविंदर है जी। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं सोनीपत से आया हूँ जी, हरियाणा। सोनीपत से, हाँ जी। तो मनीष भाई के बारे में कैसे पता चला आपको? मनीष भाई अपने बहुत पुराने, हम पहले से भी आते थे, यूट्यूब पे वीडियो देख के भी आए हैं और बहुत सारे यार दोस्त हमारे जो मैक में के जितने भी आदमी है जो अपने जानकार है तकरीबन सब इन्हीं भाई के पास आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या रहती है, जैसे कोई कस्टमर आता है ना, हाँ जी, यहाँ मार्केट में जैसे कोई आदमी आया, ये क्या है, ये सब अपना आजा भाई आजा ले ले, ये बताते कुछ है करते कुछ है, लेकिन भाई साहब का क्या काम है, हमने क्या देखा है, जो चीज बताई है ना एक्चुअल, मतलब इवन कुछ भी बताई, ये चीज बताई ना, ये कंपनी की है जी, ये कंपनी की आफ्टर मार्केट है जी, ये कंपनी की नहीं है, मतलब कोई भी चीज है भाई साहब, जो जेन्युइन है जेन्युइन बताइए, जो नहीं है वो नहीं, जो जैसा है वैसा ही बताया भाई साहब ने बिल्कुल। और हम तो भाई साहब के मतलब इस चीज से बड़े खुश है भाई की, बहुत दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करा है, और भाई सारे भाई आओ, गाड़ी ले आओ और काम करवाओ। अगर नंबर देना हो 10 में से मनीष भाई को कितने नंबर देना चाहोगे? मनीष भाई था 10 में था 100 नंबर देना चाहोगे भाई, पूरे नंबर जो है वो मिल रहा है ना, कति कुछ नहीं कटे भाई, सारा काम कपलर, एक नंबर का काम भाई, कपलर टू कपलर, घना बढ़िया छोरा भाई, कति जी सा दे दिया, कति एक नंबर का, ये अपने भाई है ठेकेदार साहब, हाँ जी, तो ये साथ में आए आपके? हाँ भाई हैं साथ में। ठीक है जी, तो आप भी रिकमेंड करोगे कभी कहे मनीष कार पे काम करवाना हो तो आप यहाँ पे काम करवाना हो तो हम तो नुका है भाई, अगर जो आप भाई आना चाहता हो ना, हम तो गेल आओगे अगले के उसके साथ आओगे उस भाई के, हमारे तो मतलब जितनी भी गाड़ियां नहीं, एक भाई हो रही भी भाई है दूसरा, वो भाई पीछे खड़ा है, हाँ वो बलेनो कार ले आया, नहीं आजा भाई पूरे ना आजा, यू ले आया बलेनो कार, यू भी कल न लेगा, कल न फिर आओगे हम तो यही, चलिए सर, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, थैंक यू सो मच।